नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं मनापुरम फाइनेंस की। दोस्तों आज हम लोग डिटेल में समझेंगे मनापुरम फाइनेंस के शेयर के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके मैनेजमेंट का क्या कहना है, उसका बिजनेस कैसा है, हर वो चीज़ की बात करेंगे जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि इस शेयर में निवेश आपका अगर हुआ है तो रखे रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, करना चाहिए, कैसे प्रॉस्पेक्ट्स है इसके, 5 साल बाद 10 साल बाद ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, हर वो चीज़ जो है आज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखिए दोस्तों अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 92.4 और दोस्तों आप देख सकते हैं ये टोटल जो है 7892 करोड़ की कंपनी है, लगभग 8000 करोड़ रुपये। और दोस्तों आप देखेंगे आज का ये हाई गया है 94 रुपये इसका। हम बात कर रहे हैं टिकर टेप पर। आज की डेट में आपको बता दूं 5 अप्रैल आज की डेट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर जो है कमजोरी दिखाया है आज के सत्र में। और अगर आप एक वीक पुरानी बात करें तो आप देखेंगे लगभग 13% का फॉल यहाँ पर आया है। एक महीने की बात करेंगे तो आप देखेंगे 41% यहाँ पे फॉल आया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों 23% का इसका एक साल का फॉल है। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि भाई ये कंपनी में तो सिर्फ फॉल ही फॉल है, तो ऐसे केस के अंदर में इसमें निवेश तो करना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये पता है फॉल क्यों आया है, कोरोना वायरस लॉकडाउन उसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट होना, इन सभी चीज़ों की वजह से ये फॉल आपको दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर की या फिर बात करता हूँ NBFC सेक्टर की, देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उनका NPA बहुत ज़्यादा जंप हो जाए और इससे कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल भी अछूता नहीं है। बात कर देंगे SDFC की, जहाँ ऑलमोस्ट जो है 30-35% गिरावट आ गई है, तो दिक्कत से दिक्कत कंपनियाँ जो है 50% डाउन हो गई है। और अगर हम माइक्रो फाइनेंस स्मॉल टिकट लोन्स की बात करें तो वहां पर भी हर तरह की बैंक को जो है आप देखेंगे, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, जिन सबके वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सबके शेयर्स में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। तो ऐसे में मनापुरम फाइनेंस में गिरावट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 1/4 अपने प्राइस से कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 5 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है 184% का रिटर्न। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न जो है 5 साल के हिसाब से दिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। काफ़ी अच्छा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा, लगभग इसने जो है 200% आप बोल दीजिए कि इसने दुगना जो है, तिगना रिटर्न आपको जो है यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों हम लोग आगे एक कंपैरिजन करना चाहेंगे टिकर टेप में। आप चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं दो शेयर्स का, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। यही हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी है दोस्तों टिकर टेप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मुथूट फाइनेंस और मनापुरम आप देखेंगे सेम पैटर्न के साथ ऊपर बढ़े हैं, सेम पैटर्न के साथ नीचे गिरे हैं। तो आप ब्लू लाइन जो देख रहे हैं मनापुरम की है दोस्तों, तो इसने रिटर्न शुरू में काफ़ी अच्छे दिए लेकिन गिरावट भी जो है उसमें सेम ही आपको दिख रही है। दोस्तों अब हम इसके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, इसके बिजनेस, हर एक बारीकी वाली चीज़ जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं इसके बड़े आंकड़ों की, हम लोग बात कर देते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं AUM। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो लोन इन्होंने बांटा हुआ है, ये लोन टोटल बांटा हुआ है, देखिए मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 24,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने बांटा है। और दोस्तों आप इनका नेट प्रॉफिट अगर Q3 FY20 के हिसाब से लेते हैं, जो लेटेस्ट क्वार्टर है दोस्तों, तो वहाँ पे अराउंड 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पर इनकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ रुपए से जो है बढ़ गई है। और दोस्तों बहुत ही खास आप यहाँ पर देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स, तो बेसिकली ये इनके एसेट्स है और इस पर रिटर्न है 6% का। जितने इनके एसेट्स बढ़ेंगे उतने रिटर्न्स उनके बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो ये एसेट बेसिकली ये एसेट्स बनते हैं जब वो कोई कॉस्ट पर फंड्स बोरो करते हैं, तो ये इनका बोरोइंग कॉस्ट है दोस्तों। तो ये बोरोइंग कॉस्ट जो है इनकी ज़्यादा लगती है।
और जितने एसेट्स ये बढ़ाएंगे उसके हिसाब से जो है अगर वो पैसा कमाते हैं तो यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स है ज़्यादा दिखेगा। 6.3 बहुत ही अच्छा है, इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है दोस्तों 6.3। आपने बाकी सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखा होगा अगर, तो वहाँ पर आपको 6% तक टच करते हुए जो है कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक शायद नहीं दिखेगी दोस्तों। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी करें तो 30% इज वेरी वेरी ऑसम गाइस। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको लगे कि मैं इस कंपनी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये फिगर्स अच्छे हैं इसीलिए ही मैं बोल रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ना ही मैं आपको इसको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी अगर डिसीजन आप लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही शानदार है, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनकी भी इस तरह की ही कैपिटल एडिक्वेसी है 23%। यहाँ पे एक सफिशियंट कैपिटल है तो इसको अपना AMU बढ़ाने के लिए जो है काफ़ी स्कोप यहाँ से नज़र आता है दोस्तों। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि बोरिंग कॉस्ट मेरे को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, हालांकि इसको उन्होंने कम ज़रूर किया है। GNPA की बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ GNPA तो GNPA मतलब कितने लोगों ने डिफॉल्ट कर चुके हैं, NNPA का मतलब होता है नेट NPA यानी कि कितने लोग पैसा देने ही नहीं वाले हैं। तो अगर आप HDFC बैंक का NNPA देखेंगे तो वो 0.6 के करीब करीब आता है, यानी कि लोग वहाँ पे पैसा देने ही नहीं वाले, और उनका ग्रॉस NPA आप देखोगे तो वो लगभग 1% के करीब करीब आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इनका ग्रॉस NPA अगर HDFC बैंक के परसेंटेज वाइज कंसिडर करें तो यहाँ सिर्फ 0.5% है, यानी कि ये फिगर बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम कंपनियों में आपको ये दिखेगा दोस्तों। तो ऐसे केस में जितने भी फाइनेंशियल्स मैंने यहाँ पर देखे हैं उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके AMU में किस तरह के रुझान रहे, तो आप देख सकते हैं कि यार डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इनका AMU जो है कुछ खास बढ़ नहीं पाया इस पीरियड के अंदर में, लेकिन जैसे ही ये इम्पैक्ट खत्म हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेट 9 quarters तक जो है इनका AMU बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ में बढ़ा है। और क्योंकि AMU के बेसिस पर ही इनका प्रॉफिट बढ़ता कम होता है, तो इसलिए दोस्तों ये सेम इफेक्ट आपको नेट प्रॉफिट में भी दिखेगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट 9 quarters से जो है ये लगातार बढ़ते चले जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो मैं आपको कुछ पिछले 9 महीने को कंपेयर करके बता देता हूं यहां पर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इनका टोटल AMU है, मैंने 24,000 करोड़ रुपए आपको बताया, तो आप देख सकते हैं 35% YoY बेसिस पर ये बढ़ा है। उनका पैट देख सकते हो 60% तक बढ़ा है दोस्तों। इसका पूरा जो है रिवॉर्ड शेयर मार्केट ने इसको दिया, लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी लॉकडाउन कोरोना चल रहा है तो उसकी वजह से वो गिरा भी है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि अगला क्वार्टर हो सकता है इसके लिए इतना फाइनेंशियली अच्छा ना हो जितना Q3 FY20 है, और हो सकता है Q1 FY21 भी शायद इतना अच्छा ना हो। अब दोस्तों कुछ और बातें करते हैं जहां पर हर बैंक में देखना ज़रूरी है। तो AUM जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर में आप देखेंगे 14% की दर से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता चला गया है। और दोस्तों Q4 के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो Q4 के अंदर में भी ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही दिखेगा, बिकॉज लॉकडाउन जो है वो आखिरी समय पर हुआ था, और क्योंकि ये गोल्ड लोन है, लोन वाली बात है यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पर जो है इतनी जल्दी लोग पैसा नहीं देने वाले। डीमोनेटाइजेशन के समय हमने देखा था कि लोगों के हाथ में बहुत कैश आ गई थी लोन चुकाने के लिए, तो ऐसा केस यहाँ पर नहीं होने वाला। तो Q4 तो है ये थोड़ा अच्छा कर ही लेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम रुझान आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ROA इनका बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं ROA इन लोगों का जो है इम्प्रूव हुआ है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है। ROE देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है, कंपेयर टू पिछले 4 सालों के अंदर ये क्वार्टर में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि Q4 के अंदर में जो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया सेम आपको जो है नीचे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। Q1 FY21 के अंदर में फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले 3 महीने के बाद में भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कस्टमर बेस इनका लगातार बढ़ते चले जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके टोटल पोर्टफोलियो में लोन का कितना कंट्रीब्यूशन है, लोन पोर्टफोलियो का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं FY20 Q3 में आ जाता हूं दोस्तों, टोटल लोन पोर्टफोलियो 24,000 करोड़ का, जिसमें 16,200 करोड़ रुपए के आसपास जो है लोन
दिए गए हैं गोल्ड में, और बाकी देखिए दोस्तों 5,000 करोड़ के माइक्रो फाइनेंस, इसके अलावा हाउसिंग में 600 करोड़, 1,300 करोड़ रुपए व्हीकल फाइनेंस और अदर्स में अराउंड 100 करोड़ के करीब करीब का लोन दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% जो है लोन दिया गया है गोल्ड लोन। तो इसका मतलब मन्नापुरम की अगर पहचान की जाएगी तो किससे की जाएगी, गोल्ड लोन से की जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं न्यू बिजनेस शेयर जो है अराउंड यहाँ पर 32% पे रहा है, तो 32% के करीब करीब जो है न्यू बिजनेस है इन लोगों का। न्यू बिजनेस में माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग एंड व्हीकल फाइनेंस अदर लोन्स आते हैं। तो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के लिए कंपनी बनाई है जिसका नाम है आशीर्वाद। अब दोस्तों बात करते हैं इनके नए फीचर की, और ये नया फीचर बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा यहाँ पर इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर में। इस स्लाइड को मैंने जो है स्क्रीनशॉट पे लिया। तो देखिए दोस्तों ये लोगों ने शुरू किया है ऑनलाइन गोल्ड लोन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर शेयर परसेंटेज देखिए दोस्तों ओवरऑल गोल्ड एएमयू में, ये जो है बेसिकली इनकी सक्सेस का राज रहा है। 44% इट्स एक्स्ट्रावेगेंट दोस्तों, 44% ये लोग जो है ऑनलाइन गोल्ड लोन देते हैं, तो ये फर्स्ट प्लेयर है ऐसा करने में। तो दोस्तों दिस फैसिलिटी एनेबल्स कस्टमर हु हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस टू अवेल द गोल्ड लोन एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इनकी जो लोन प्रोसीड्स है वो जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट में चली जाती है, और जब लोन को रीपे किया जाता है गोल्ड विल कंटिन्यू रिमेन द मनापुरम ब्रांच फॉर द इंस्टेंट सेंक्शन ऑफ द फ्यूचर लोन। तो दोस्तों एक बार आपको अपना गोल्ड बैंक में रखना है, तो दोस्तों एक बार आपको अपना गोल्ड मनापुरम में रखना है, उसके बाद में लोन आपको जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये सुविधा जो है बहुत ही खास है, बहुत ही इनोवेटिव है मेरे हिसाब से, और यही कंपनी की सक्सेस के पीछे रहा है। ये एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए अपनाया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आशीर्वाद जो कि माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका 2018 के अंदर में आप देखेंगे तो निगेटिव में चीज़ें चली गई थी इनके रिटर्न्स के हिसाब से देखें, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया है। तो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो सेम सिचुएशंस आपको देखेंगे कि ये रिटर्न्स बहुत ही नीचे ड्रॉप आ गए, लेकिन हमने बंधन बैंक के केस में देखा है कि जब भी इस तरह का कोई भी संकट आता है तो उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरह से रिकवरी होती है। बंधन बैंक में पर्टिकुलरली आसाम में बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनका कलेक्शन रेट जो है 72% तक चला गया था, फिर वापस से इम्प्रूव होकर 93% पर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ देखी थी डीमोनेटाइजेशन में, तो यहाँ पर आपको वापस से ये चीज़ जो है लॉकडाउन के बाद में देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इनके माइक्रो फाइनेंस के NPS की बात करेंगे तो यस इनके NPS आप दोनों देखेंगे तो कंपेयर टू इनके गोल्ड लोन सेगमेंट से ज़्यादा आपको NPS यहाँ पे देखेंगे, और आप यहाँ पे देख रहे बढ़ भी रहे हैं। तो इसके रीजंस आपको पता है कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं कंट्रीज में बहुत सारी जगह पर, तो लॉकडाउन वाली बातें भी चल रही है, तो उस क्वार्टर के अंदर में FY20 के Q3 के अंदर में भी थी, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अगर आशीर्वाद की कैपिटल एडिक्वेसी की बात करते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल दिखता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो वेल कैपिटल पोजीशन पर ये है, तो यहाँ पर उनको फर्दर एक्सपांशन में दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब दोस्तों देखते हैं इनके हाउसिंग सेक्टर को, तो इनका हाउसिंग फाइनेंस जो है किस तरह से इम्प्रूव हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इनका हाउसिंग शुरू हुआ है जनवरी 2015 के अंदर में, बेसिकली ये लोग फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, और फाइनेंशियल ईयर वाइज 41% का यहाँ पे CAGR AMU ग्रोथ दिख रहा है। ये लोन बहुत ज़्यादा जल्दी से ये लोग बांट रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर GNPA आपको दिख रहा है लगभग 4.5% के करीब करीब, तो दोस्तों यहाँ पे ही चिंताजनक बात है। लेकिन हाउसिंग ये ऐसा ओवरऑल कंपनी जो है 10% से ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लोग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाएंगे ऐसी उम्मीद लगती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इनके व्हीकल फाइनेंस की, तो व्हीकल फाइनेंस में भी आप पाएंगे कि GNPA इनके ज़्यादा है और ये 71% की दर से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। जैसे जैसे इनका लोन पोर्टफोलियो बढ़ेगा और जैसे जैसे ये लोग बिजनेस में एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, वैसे वैसे हो सकता है कि इनके GNPA भी नीचे आने शुरू हो जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कंपनी में किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं इनके प्रमोटर्स के पास में 35% है, पब्लिक के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर 16% है, तो ये कंफर्टेबल दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकी नई स्ट्रैटेजी क्या है, तो इनकी नई स्ट्रैटेजी है कि वो गोल्ड प्राइसेस को
गोल्ड लोन बिजनेस के साथ में डीलिंग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए उनके पास में 100 रुपये का गोल्ड डिपॉजिट किया जा रहा है, तो वो लोन टू वैल्यू देंगे 75% का, यानी कि वो बंदे को लोन मिलेगा 75 रुपीज़ का, जहां वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 24 रुपीज़ का। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ फंड बताई थी अराउंड 9% की थी, 24% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दोस्तों, और इस तरह से वो बनाएंगे इस पैसे को एक साल के अंदर में 96 का। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का गोल्ड और 96 रुपीज़ का, मान लो कस्टमर ने पैसे नहीं दिया तो ये गोल्ड को बेच सकते हैं 100 रुपये में, 4 रुपये उस कस्टमर को चार्जेस वगैरह काटने के बाद में वापस कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने अपने गोल्ड प्राइसेस को और गोल्ड बिजनेस के लोन्स को जो है डीलिंग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है बहुत ही सफिशेंट मार्जिन। इसके रिस्पेक्ट में बाकी कैलकुलेशंस आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या आगे स्कोप है गोल्ड लोन्स का, तो दोस्तों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हमारे पास में मौजूद है कि किस तरह का जो है आगे भविष्य रहने वाला है गोल्ड लोन का। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 टन्स गोल्ड जो है इंडिया के पास में पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू $800 बिलियन है, और पेनिट्रेशन इस मार्केट में सिर्फ 3% का है, यानी कि 97% लोग अभी भी गोल्ड लोन पे जो है गोल्ड लोन नहीं लेते हैं। तो इसलिए इन कंपनीज़ को जो है बहुत बड़ा अनटैप मार्केट मिल रहा है। वहीं गोल्ड लोन बहुत ही एडवांटेजियस चीज़ है कस्टमर के लिए, झट से पैसा मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने पड़ते, और जो इसके लिए लोन दे रहा है उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, और सिक्योरिटी को बेचने के लिए भी उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। गोल्ड इज़ अ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट्स। दोस्तों देख लेते हैं इनके फाउंडर रहे हैं नंदा कुमार जी, जो कि कंपनी करंट CEO और MD भी है। तो इन्होंने ये कंपनी 1992 में शुरू की थी, और 1949 से इनका ये फैमिली बिजनेस रहा है। मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करें उसके लिए वीडियो एक अवेलेबल है, जिसमें मैंने मनापुरम फाइनेंस के मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन वहाँ पे दिया था, उनके बारे में बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया है। अगर हम के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो KPMG इनको ऑडिट करता है, और इनके 10 में से 6 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, और आप देख सकते हैं कि उसमें एक जगदीश कपूर एक्स डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रख चुके हैं, साथ ही साथ HDFC बैंक के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथिक्स पे काम कर रहा है। दोस्तों अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इसका PE दिख रहा है 7 पर, और इसका इंडस्ट्री PE 23 पर है, और प्राइस बुक वैल्यू देखें तो दोस्तों 2 रुपये से भी कम है। अगर ये आप बजाज फाइनेंस वगैरह में देखेंगे तो 5 रुपये से ज़्यादा है, तो भी लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता और अट्रैक्टिव दिखता है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में कंपनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है, और ऐसे केस में अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और ये शेयर कम आ गया है, तो इसकी पूरी पूरी चांसेस है कि ये यहाँ से रिकवर कर जाए, उसके बाद में आपको अच्छा रिटर्न भी दे। और मेरे हिसाब से ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करने लायक एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, NPAs बहुत कम है। यस, जो अभी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है दिवाली तक ये प्रॉब्लम्स रहे, बिकॉज लॉकडाउन के बाद में थोड़ा इकोनॉमिकली जो है वीकनेस रहेगी इकोनॉमी के अंदर में। तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली के बाद में यहाँ पर रिवाइवल आने की पूरी पूरी चांसेस है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। दोस्तों आप अपना डिसीजन लेकर ही आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हो सके तो SIP मोड पे इसमें इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ पूरा पैसा मत डालिए, डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।